दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में और यह जानेंगे कि मानव नेत्र जो है उसकी जो दृष्टि होती है वो कितनी होती है और साथ ही साथ मानव में कितने प्रकार के दोष पाए जाते हैं उसकी आँख में। जो नेत्र होता है, हमारे नेत्र में 3 प्रकार के दोष होते हैं। एक होता है तत्व निकट दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष और एक होता है तीसरा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष होता है वो जरा दृष्टि दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष क्या होता है, दूर दृष्टि दोष क्या होता है, हमारी जो नेत्र है, जो हमारी आंख है, वो कितने डिस्टेंस की कोई भी चीज को क्लियर रूप से देख सकती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, मानव नेत्र से कितनी दूर तक हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, उसकी क्लियरेंस को समझ सकते हैं, ये सारा कुछ जानेंगे आज हम अपने इस वीडियो में। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो मानव है किसी भी चीज को बिना चश्मे की सहायता से, बिना किसी यंत्र की सहायता से कितनी दूर तक की वस्तुओं को देख सकता है। तो वो जो मनुष्य देख सकता है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर में कोई भी वस्तु रखी होगी तो व्यक्ति उसे आसानी से देख लेगा, जांच लेगा, परख लेगा, पढ़ लेगा कि क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है यहाँ पे। लेकिन ये है कि वो चित्र बोर्ड पे लिखा होना चाहिए, बस इतनी जरूरत है उस चीज में। फिर इसके बाद जो निकट दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष निकट दृष्टि दोष किसे कहते हो, व्हाट इज निकट दृष्टि दोष, इसको कैसे पहचानेंगे कि इस बच्चे को जो है निकट दृष्टि दोष है। आज मैंने अपनी क्लास में एक बच्चे को देखा कि थोड़ा दूर बैठा हुआ था लेकिन पढ़ नहीं पा रहा था कि बोर्ड पे लिखा क्या है। अभी हमारे न्यू स्टूडेंट आया हुआ है तो मुझे लगा इस पर वीडियो बनाना चाहिए और जो टीचर्स हैं उनको अपनी क्लास में कम से कम ये चीज देखनी चाहिए कि जो बच्चे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, किसी को कहीं पर इस प्रकार की समस्या तो नहीं है। तो देखिए, निकट दृष्टि दोष उसे हम कहते हैं, निकट दृष्टि दोष जिसमें कि जो पास की वस्तु है वो दिखाई देगी, जो पास की वस्तु है वो हमें दिखाई देगी। लेकिन कुछ दूर जो वस्तु रखी होगी वो स्पष्ट नहीं दिखाई देगी, यानी कि निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देंगी लेकिन जो दूर की वस्तुएं होंगी वो हमें स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। इस प्रकार के दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं, ठीक है। दूर दृष्टि दोष इस प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति, इस प्रकार के रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन नजदीक की वस्तुएं बिल्कुल से नहीं दिखाई देती हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि पास की वस्तु दिखाई देगी लेकिन दूर की वस्तु नहीं दिखाई देगी। इसमें क्या है, दूर दृष्टि दोष में इसमें दूर की वस्तु दिखाई देगी लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देगी। निकट तो मतलब पास का दिखना,
दूर दृष्टि दोष मतलब तो दूर का दिखना, ठीक है। एक दृष्टि दोष और है जिसे अभी तक हम लोगों ने नहीं पढ़ा है और नहीं जानते हैं, जैसे हमारे दादी को, बाबा को, या हो सकता है मोस्टली जो बॉयज एंड गर्ल्स वेरी वीक, जो लड़के और लड़के बहुत कमजोर होते हैं उनको भी ये रोग हो सकता है। इसको बोलते हैं हम जरा दृष्टि दोष। कोई कोई इसी को जरा बोलता है, ठीक है। तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं, कोई जरा बोलता है, कोई जरा बोलता है, ठीक है। ये दोनों दृष्टि दोष एक ही दृष्टि दोष, चाहे जरा दृष्टि दोष कहें चाहे जरा दृष्टि दोष कहें, दोनों दोष एक ही प्रकार के होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के रोग से जो व्यक्ति पीड़ित होगा उस व्यक्ति को वृद्धावस्था होगी, नंबर एक। या वृद्धावस्था नहीं है, एक मोस्टली दृष्टि दोष जो होता है वृद्धावस्था के कारण ही होता है, जिसमें कि हमारी देखने की जो दृष्टि होती है वो बहुत ही कमजोर हो चुकी होती है, इसीलिए हम इसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। इसमें ना तो पास की वस्तु दिखाई देगी और ना ही दूर की वस्तु दिखाई देगी, जो होगा बिल्कुल इक्वल होगा, ठीक है, दोनों बिल्कुल बराबर होते हैं। ये नहीं कि दूर का दिख रहा है पास का नहीं दिख रहा है, पास का दिख रहा है दूर का नहीं दिख रहा है, इसमें असमानता नहीं होती है। इस दृष्टि दोष में न तो नजदीक का दिखेगा और न ही दूर का दिखेगा, इस प्रकार के दृष्टि दोष को हम जरा दृष्टि दोष कहते हैं। और जो इसमें लेंस प्रयोग किया जाता है, वाई फोकल लेंस प्रयोग किया जाता है, कौन सा लेंस, वाई फोकल, वाई फोकल लेंस। इसमें जो है वाई फोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ध्यान देना है। जो दृष्टि दोष होते हैं, तीन प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं। निकट दृष्टि दोष में जो वस्तुएं पास की होती हैं वो तो स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं स्पष्ट बिल्कुल से दिखाई नहीं देती हैं। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, इस दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं बिल्कुल से नहीं दिखाई देंगी, लेकिन दूर की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगी। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसलिए जो रोग होता है वृद्धावस्था के कारण होता है, नंबर एक। नंबर दो, बहुत ही कमजोर व्यक्ति हो जाता है तो भी ऐसी समस्या आ जाती है, नहीं तो व्यक्ति को यदि कोई इस प्रकार की समस्या है तो वाई फोकल लेंस की आवश्यकता होती है। वाई फोकल लेंस अगर उसे लगा दिया जाए तो उसकी दृष्टि फिर से सही हो जाती है। जो मानव की देखने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है, जिसको क्लियर रूप से देख सकता है, समझ सकता है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हो सके तो कमेंट करें, ठीक है। यदि कोई किसी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम लग रही है या आपको कुछ और प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बनाने की फुल कोशिश करेंगे।